दोस्तों बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं जिससे उनकी बॉडी नहीं बन पाती। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के 5 टिप्स जिन्हें आप अजमा के अच्छी बॉडी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं फर्स्ट टिप्स नंबर 1। जो टिप्स नंबर 1 है आपको क्या करना है फ्रेंड्स, प्री वर्कआउट मील लेना है, यानी वर्कआउट करने से आधा घंटे पहले आपको कुछ ना कुछ खाना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिससे आपके पैसे खर्च हो, मैं बात कर रहा हूँ प्री वर्कआउट मील लेना है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बोलते हैं प्री वर्कआउट मील लेना है जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्री वर्कआउट मील लेना जरूरी है ताकि आपको एनर्जी मिले ड्यूरिंग द वर्कआउट के दौरान। आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 1 से 2 केला ले सकते हैं, और केले में क्या होता है, कैल्शियम होता है और साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज होता है जो स्लो डाइजेशन ग्लूकोज होता है, और वर्कआउट के दौरान हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 1 से 2 केला लेना है। हमें वर्कआउट के दौरान एनर्जी चाहिए होती है तभी हम ज़्यादा रेपिटेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप क्या ले सकते हैं, कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वर्कआउट के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 जो है वार्म अप। आपको वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। फ्रेंड्स वार्म अप से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, और साथ ही साथ आपने सुना होगा माइंड एंड बॉडी कनेक्शन के बारे में। अब हमारा माइंड क्या होता है, बॉडी को सिग्नल दे देता है कि भाई अब हम क्या है कि हैवी वर्कआउट करने वाले हैं, जिससे हमारे क्या मसल्स है रेडी हो जाती है हैवी वर्कआउट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप वार्म अप कभी भी अवॉइड ना करिए वर्कआउट करने से पहले। बात करते हैं टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 में क्या है फ्रेंड्स, आपको कोई भी मसल्स वीक में 2 बार ट्रेन करना है। फ्रेंड्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक दिन चेस्ट कर लेते हैं, एक दिन शोल्डर कर लेते हैं, एक दिन लेग कर लेते हैं, एक दिन एब्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये सही है पर मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, ये गलत है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 2 मसल्स ट्रेन करना है। आप बॉडी बिल्डर को देखते हो, एटलीस्ट 2 मसल्स वो ट्रेन करते हैं वीक में, तभी तो आपको स्टेमिना मिलता है, एनर्जी मिलती है, और साथ ही साथ क्या होता है आपकी जो मसल्स वर्कआउट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। अगर आप चेस्ट करें तो वीक में 2 बार ट्रेन करिए, अगर ट्राइसेप करें तो वीक में 2 बार ट्रेन करें, तभी तो क्या है वॉल्यूम आएगा भाई। आपको क्या है वीक में 2 बार ट्रेन करना है कोई भी मसल्स को। बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे फैट लॉस होता है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4 के बारे में। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हाइड्रेट रहना है। आपको लगभग 7 से 8 लीटर पानी पीना जरूरी है। फ्रेंड्स आपके जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारा शरीर बना होता है, जो हमारी मसल्स बनी होती है वो पानी से बनी होती है, और 60-70% जो हमारा जो मसल्स बनी होती है वो पानी से बनी होती है। तो पानी पीना जरूरी है, इससे क्या है फ्रेंड्स आपकी बॉडी में वॉल्यूम आएगा, आपके मसल्स चौड़ी होंगे, इसलिए पानी का सेवन करना जरूरी है, जिससे हमारे जो मसल्स का ग्रोथ हो काफ़ी तेजी से होता है। तो फ्रेंड्स कभी भी आप जो है हाइड्रेट ही आपको रहना है, लगभग 6 से 8 लीटर आपको पीना है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5। आपको क्या करना है, हैवी वेट उठाना है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कम वेट उठा के ज़्यादा रेपिटेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन आपको हैवी वेट भी उठाना, तभी तो आपके मसल्स बढ़ेंगे। फ्रेंड अगर आप वही वेट उठा रहे हो शुरुआत से, जब से आपने जिम ज्वाइन किया आज भी वही वेट उठा रहे हैं, तो आपके मसल्स कैसे बड़े होंगे। फ्रेंड्स आप बॉडी बिल्डर को देखते हैं, वो हैवी वेट उठाते हैं तभी तो उनके मसल्स बड़े होते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हैवी वेट उठाना है, एटलीस्ट 6 से 8 ऐसा रेपिटेशन करना है हैवी वेट वाला। आप 6 से 8 रेपिटेशन कर सको हैवी वेट वाला आपको उठाना, तभी तो आपके मसल्स ग्रोथ होंगे। फ्रेंड्स बॉडी बिल्डर को आप देखते होंगे हैवी से हैवी वर्कआउट करते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स वेट उठाने के साथ साथ आपको वर्कआउट के दौरान एक सुपर सेट करना। अब सुपर सेट में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी वर्कआउट आप करते हैं 3 सेट करते हैं तो बिना ब्रेक के करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है स्टेमिना मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर पाएँ और हमारी जो मसल्स एक्टिवेट हैं वो कंटिन्यूस होती है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।